क्या कहना है भाई जाति से लश्करवा दे याद करो हम लोग बहुत परवाने हैं कुल के बदले दुलवाओगे पाओगे वरना फिर हम लोग बिखंजर भाई क्या कहना है भाई भाई बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद खंजर वाले बहुत खूब। अब चार विषय और सुनिए बहुत अच्छी आपने शायरी सुनी सब शायरों ने अच्छा अच्छी अच्छी शायरी सुनी आपने है ना बहुत अच्छी अच्छी शायरी जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपके दुआओं से नवाजा। अब मैं भी सोचता हूँ मेरे को इंतखाब ऐसे कुछ पेश कर सवाल पर मैं भाई कौन है जब कोई अच्छा शेर सुना जाता है और आप खामोश हैं तो टाइम के बात होने लगती है क्या इतना अच्छा इतना बड़ा शेर सुना गया और ये इतना बड़ा पिंडा लिए खामोश बैठे हैं नहीं नहीं बता तो डाइस पे गुफ्तगू होने लगती है क्या ये कब कब पढ़े लिखे लोग होंगे कुछ लोग बोलते हैं क्या इसको शायरी नहीं समझते मशवरा ना सुने जब शेर आपको समझे कि ना समझे खूब ताक दिया करो ताकि आपका रुआब आपका दबदबा डाइस वालों पे बना रहेगा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं शेर क्या कहने भाई जुमले के जवाब नहीं है भाई जानकारी का जिंदाबाद क्या बात अब अपने आप के लिए तुम मोड़ दिए जाओगे पहले कालीन से तुम मोड़ दिए जाओगे फिर किसी जुर्म से तुम छोड़ दिए जाओगे शायद नहीं समझा पूरे बोल कर जब ये दूसरा मिसरा पढ़ता हूँ वही मुशायरे में हंगामा होने लगता है शायद नहीं समझा मैं फिर पढ़ता हूँ पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे फिर किसी जुर्म से तुम छोड़ दिए जाओगे हाथ से हाथ की संजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह क्या कहना है जाओगे हाथ से हाथ की संजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे बहुत अच्छे भाई वाह 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 2014 से काला धन ढूंढा जा रहा है अभी तक नहीं मिला बल्कि जो वाइट था वो भी काला हो गया जो सफेद था वो भी काला हो गया और काला धन ढूंढने वालों को ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ ढूंढी जाती है अब अगर चार विषय पढ़ता हूँ आपकी नुमाइंदगी अगर कर दूं आपके दिल की बात कर दूं तो एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए ऐसा लगे कि रात के 9 बजे अभी मुशायरा शुरू हो रहा है वो हंगामा होना चाहिए सच्चाई चार विषय समाप्त फरमाए काला धन ढूंढा जाए समाप्त खुदा की राह में जो अपना मान देते हैं क्या कहना है भाई यार बैठे जो लोग हाथ बांध के बैठे वो हाथों को खोल ले हाथ आप बैठे हैं ठंड के साथ कुछ हो रहा है खुदा की राह में जो अपना मान देते हैं हराने वाली मुसीबत को टाले देते हैं हराने वाली मुसीबत को टाले देते हैं हमारे पास मिलेगा ना काला धन तो हम अपने माल
देगा सजका क्या जाए भाई जो जिंदाबाद 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 भाई भाई बहुत अच्छे सबका निकाल भाई आप सभी भी सबका निकालते रहे हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं हम अपने माल का सदका निकाल देते बहुत अच्छे भाई भाई पूरा भंगार वाले कि मेरे भाई का हुक्म है चार साल ये मेरे भाई ने हुक्म दिया मैं पेश करता हूँ मुझे पुनः पढ़नी है उसके लिए दो तीन मिसरे जो है मैं तमहीदन पेश करता हूँ समाज पर मैं इरशाद अली मात्रा हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर वाह ये किसने कहा तुमसे पारू बिछाते हैं क्या कहना हाथों में मसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर ये किसने कहा तुमसे पारू बिछाते हैं पारू बिछाते हैं हथियार बनाने का हथियार क्या कहना है विश्वा बनाते हैं विश्वा बनाते हैं बहुत शुक्रिया बम मारो तो तलवार बंदूक किसी का हथियार की जरूरत नहीं अल्लाह ताला ने एक हथियार हमें ऐसा अता किया है कि अगर हम सलीके से इस्तेमाल करें तो आज भी पूरी कायनात पे गालिब आ सकते हैं शायरी करता हूँ समाप्त फरमाएं हम सब्र रजा वाले हम सब्र रजा वाले हम सब्र रजा वाले हम लोग वाले वाह लम्हे में जमाने की पहचान बदल देंगे क्या हम सब्र रजा वाले हम लोग वाले लम्हे में जमाने की पहचान बदल देंगे ना तो की हाजत है ना तम की जरूरत है ना तम की जरूरत है बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल जिंदाबाद जिंदाबाद वही अंसारी साहब जिंदाबाद बदल सुल्तान बदल देंगे सुल्तान बदल देंगे बहुत अच्छे अब हर फिर आखिर एक नज़्म पढ़ता हूँ मेरे भाई शजर पर इमरान शजर का हुक्म है पेश करता हूँ समाप्त फरमाए आखिरी लड़ाई फिल्म की आखिरी लड़ाई है इस मुशायरे का आखिरी शायर आखिरी लड़ाई है पूरा निचोड़ मुशायरे का आखिरी लड़ाई में आ जाता है अब आप नीचे जुड़ के बताएं आखिरी लड़ाई में शरीक हो जाएं और ये मेरे बाद ये मुशायरे की जो फिल्म है ये मुलतवी होने वाली है समाप्त फरमाए इजाजत है पढ़े दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा के मुझे बताएं कि इजाजत है क्या बात क्या बात इस्लाम है का बताना मुझे बताना इस्लाम है का इस्लाम है का इस्लाम है का इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा इस्लाम रहेगा कुछ लोग बड़ा चल रहे एक मौलाना तकरीर कर रहे थे उनका उनवान था उनका मौजूद था कि इस्लाम बहुत पीछे है
مولانا تقریر کرتے کرتے مولانا نے کہا کہ اسلام بہت پیچھے تھا. ایک بچہ پیچھے بیٹھا تھا درمیان میں آ کے بیٹھ گیا. پھر مولانا نے تقریر کی کہ اسلام بہت پیچھے ہے تو بچہ درمیان سے اٹھا قریب آ کے بیٹھ گیا. کیا بات ہے. پھر مولانا نے کہا کہ اسلام بہت پیچھے تو بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ مولانا آپ کے سر پہ بیٹھ جاؤں. تو یہ وہ اسلام وہ بچے کی بات نہیں ہے کہ آپ حیرت سے تک رہے ہیں, ہے نا. آپ مجھے بتائیں جو چاہتا ہے کہ اسلام رہے گا وہ میرے ساتھ بولے گا انشاءاللہ, وہ مجھے دعاؤں سے نوازے گا. جو نہیں چاہتا کہ اسلام رہے گا وہ خاموش بیٹھا رہے, مجھے کوئی شکایت نہیں. اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا. گھر گھر میں رہے گا یہ سر آپ رہے گا, گھر گھر میں رہے گا یہ سر آپ رہے گا, دنیا میں صدا مذہب اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, جب تک میرے سرکار کا پیغام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا. گھر گھر میں رہے گا یہ سر آپ رہے گا, دنیا میں صدا مذہب اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, جب تک میرے سرکار کا پیغام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا. پابندیاں لگا دو. کیا کہنا ہے بھائی بھائی, زندہ باد. جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے. پابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر, پابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر, اور انگلیاں اٹھاؤ پیٹا دی اذان پر, اور انگلیاں اٹھاؤ پیٹا دی اذان پر, پیٹا دی اذان پر, جب تک رہے گا کلمہ ہماری زبان پر, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا. اس کی بلندیوں کو جھکایا نہ جائے گا, جب تین سو تیرہ تھے. ہلو, یہ بچوں کو کیا ہوگا, کیا ہوگا بیٹا, جب تین سو تیرہ تھے, جب 72 تھے تو کم نہیں کر پائے. واہ, آپ تو اتنے ہیں کہ گن بھی نہیں پائیں گے. اب تائی کرنا میرے فون کی. اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, میرا اسلام رہے گا, اسلام رہے گا.
इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, पड़ता ही रहे गए घटाया न जाएगा, पड़ता ही रहे गए इस नाम रहेगा, इस नाम देखिए जिसका जो काम है, जो जैसे मोहब्बत करता है, जैसे दाद देना चाहता है, ये भाई ने मुझे ये नजराना दिया, इसकी मोहब्बत थी। अब आप यहाँ तक नहीं आ सकते तो मतलब जहाँ बैठे वहां तक टाइप कर सकते हैं ना, इस नाम रहेगा, इस नाम ये बातें पर कभी इस नाम रहेगा, इसकी बुलंदियों को झुकाया न जाएगा, पड़ता ही रहेगा ये घटाया न जाएगा, घटाया न जाएगा, मिट जाओगे इस नाम मिटाया न जाएगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, मिट जाओगे इस नाम मिटाया न जाएगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा। अब मैं पढ़ता हूँ रिजवान भाई, जिस बकरे भाई मेरा भाई इमरान भाई डॉक्टर साहब लो भाई तमस तमस, वो बंद पढ़ता हूँ जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म लिखी है ना, हासिले नज्म अच्छा लगे, अच्छा लगे आपको तो मेरा नहीं, इस बंद का खड़े होकर इस्तकबाल कर देना है ना, जैसे बंद मुकम्मल हो सारे लोग खड़े होकर इस्तकबाल करना ताकि मेरी हौसला अफजा हो जाए। बैठे बैठे जुबर फिरोज भाई, फिरोज भाई इस नाम रहेगा, तैयार बैठे एकदम तैयार बैठे, खड़े होके खड़े होकर इस बंद का इस्तकबाल करना, जब मुकम्मल हो गया, अभी नहीं अभी नहीं जब मुकम्मल हो गया, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, तैयार बैठे अंदाजा कर इस बंद में कोई घूमगा बैठा हो ऐसा बंद पढ़ने जा रहा वो भी बोलेगा मेरे साथ, इस नाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, कुछ दिन के लिए खाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा, जोगी से मिलेगा तो ये योगी भी कहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, मेरा इस नाम रहेगा, मेरा इस नाम रहेगा, मेरा इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा। भाई तो कहा बाबा खड़े हो गए, अब बैठ जाइए, वाइट भाई कह रहे हैं अच्छा 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 मैं बता मुझे ये लगा कि वक्त पूरा हो गया है तो मैंने कहा कि आखिर बस पढ़ता हूँ, बैठ जाओ दोस्तों बैठ जाए, बहुत संगीत की से सुनना है, बस सुकून बनाए रखे भाई, अरे आपके लिए सुकून बनाए रखे, बैठ जाए बैठ जाए पेश करें पढ़िए भाई भाई बंदा पढ़िए पढ़िए, इस नाम रहेगा, सब छोड़ के अजमेर की गलियों में फिरेगा, कुछ दिन के लिए खाजा की खिदमत में रहेगा, खिदमत में रहेगा, इस नाम रहेगा, इस नाम रहेगा, तो चार पांच मिनट में पढ़ देता हूँ, उसके बाद इजाजत ऑफिसरान ऑफिसरान खड़े हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद आस्ताना उस सुबह मुशायदा है, अल्लाह के जो वली होते हैं उनका भी पैगाम अमन होता है ना, तो एक उर्स के मुशायदे में हो रहा है, तो चार चार मिसरे में पढ़ता हूँ, ऑफिसरान खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कौमी यकजहती, चार मिसरे हाँ पढ़े पढ़े सर, पढ़े हैं सुनना, पेश करता हूँ
एक मुसलमान हो पूर्व वतन में कैसे जिक्र करता है। समाप्त फरमाए, अभी अभी कल ही मेरे ख्याल से कल ही या परसों मैच हुआ, 2020 कल परसों मैच हुआ ना, कल हुआ ना, आप बताना मुझे। समाप्त फरमाए, देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी दे देंगे। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी दे देंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद करे तो पाकिस्तान दे देंगे। सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी दे देंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी दे देंगे, ले देंगे अपने वतन का। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, इनके लिए ताली बजा दो, आपको टाइम दे दो। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक काबिला देखने सब काबिला। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा है तो तानी है, एक एक बच्चा राजा है तो तानी है। सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पूरे कमेटी के लिए पटवा तालियां बजा के जाए पूरे पिता।